बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हेलिटोसिस कहते हैं, या जिसे फाउल ऑर्डर भी कहते हैं और बैड ऑर्डर भी कहते हैं, मुंह से बदबू आना, मुंह से स्मेल आना कहते हैं। और ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, जो उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी है, कहीं पर उन्हें लेक्चर देना है, किसी तरह सोशल इंटरेक्शन करना है, तो उसमें बहुत झिझक महसूस करते हैं। और मुंह से स्मेल आने की वजह से वो अक्सर शर्मिंदगी का बाइस उनके लिए होता है और वो बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को। तो बहुत से मरीज़ हमारे पास ये इशू लेकर आते हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं कि इसकी क्या रीज़न है और किस तरीके से वो इसे कम कर सकते हैं। तो हेलिटोसिस या फाउल स्मेल फ्रॉम द ओरल कैविटी, दिस इज़ बेसिकली अ सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ बीइंग फाउल स्मेलिंग माउथ और फाउल स्मेल फ्रॉम द ओरल कैविटी। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी मुंह से स्मेल आ रही है किसी भी टाइम, वो उसको हम हेलिटोसिस में ही उसको डिफ़ाइन करें। तो सबसे पहले तो हमने इसको आपस में डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज़ हेलिटोसिस एंड व्हाट व्हाट कैन बी द ओकेजनल फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ। जैसे कि सुबह हम सो के उठते हैं तो जो मॉर्निंग स्मेल है, जो मॉर्निंग प्रॉब्लम है कि सुबह उठते ही आपके मुंह से स्मेल आ रही है, या जो रोज़ादार है जब वो आखिरी टाइम में आता है रोज़े के, तो तब भी उसके मुंह से एक स्मेल सी आ रही है, तो इसको हम हेलिटोसिस नहीं कहते। और ये उस तरीके से नहीं है, क्योंकि सुबह आप उठते हैं, उसके बाद आपने ब्रश करना है, उसके बाद आपने क्लीनिंग करनी है, तो सारी रात क्योंकि आपकी ओरल कैविटी में ड्राइनेस रही है, तो जो मॉर्निंग में स्मेल आती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़ और अ पैथोलॉजी, ये एक नॉर्मल चीज़ है और ब्रशिंग के बाद ही बेहतर हो जाती है। दूसरी क्या चीज़ है, जैसे कुछ कुछ मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें अक्सर फ्लैजल एक मेडिसिन है, मेट्रोनिडाजोल उसके अंदर है, या और ऐसी कोई मेडिसिन है, तो वो भी मुंह का टेस्ट ख़राब कर सकती है। उसको भी आपने किसी ऐसी कंडीशन में डिस्क्राइब नहीं करना, या ऐसे समझना नहीं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने कुछ ऐसा खाना खाया हुआ है जिसमें, जैसे आपने प्याज खाए हैं, या आपने अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, या जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग करके भी आए हैं, तो वो भी हेलिटोसिस के अंदर नहीं आएगा। तो हेलिटोसिस बेसिकली तीन तरह से डिवाइन किया जाता है। एक जेन्युइन हेलिटोसिस है, कि मतलब जो ट्रू हेलिटोसिस है, कि वाकई कोई प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या चीज़ है, एक है फॉल्स या सूडो हेलिटोसिस, कि हेलिटोसिस पहले था, उसको ट्रीट कर लिया गया, और लेकिन अभी तक जो मरीज़ है या फिर जो भी हम मतलब इंसान है, उसके जहन में ये है कि मेरे मुंह से स्मेल आती होगी या आ रही है, तो वो बेसिकली उसे सूडो हेलिटोसिस कहते हैं या फॉल्स हेलिटोसिस कहते हैं। और एक थर्ड कैटेगरी क्या है, हेलिटोफोबिया, कि ऐसे बंदे में जिसमें कभी हेलिटोसिस रही है, तो वो हमेशा उसको एक खौफ सा रहता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही होगी। तो ये तीन तरह से इसको डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने किस तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, कि क्या हमें हेलिटोसिस का प्रॉब्लम है, या हमें फाउल स्मेल का बेसिकली कोई प्रॉब्लम है हमारी ओरल कैविटी में, या फिर ओकेजनली कभी कभार कुछ खाने पीने से वो स्मेल आती है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन के तीन चार मेथड्स हैं। एक सिंपल मेथड तो ये है कि आपने कोई भी कंटेनर लिया, कोई भी बाउल आपने ले लेना है, उसमें आपने अपना जो सलाइवा उसको स्पिट करना है, और स्पिट करने के थोड़ी देर बाद आप उसको स्मेल करेंगे। जो नॉर्मल सलाइवा है उसके अंदर उस तरह से फाउल स्मेल नहीं होती, लेकिन अगर आपको हेलिटोसिस का प्रॉब्लम है तो जो सलाइवा आपने स्पिट किया उसमें से फाउल स्मेल आ सकती है। दूसरा मेथड क्या है कि आप रिस्ट के ऊपर अपनी जबान से लीक करके उसको ड्राई होने दें, और उसके बाद उसको आप स्मेल कर सकते हैं। एक ये मेथड भी इसका है। दूसरा क्या मेथड है कि अक्सर खाना जो है दांतों के दरमियान में फंस जाता है, और वहाँ पर स्मेल ये रीज़न बनता है कि वहाँ पर जो मसूड़े हैं वो ख़राब होते हैं और वहाँ से स्मेल आना शुरू होती है। तो आपने एक टूथपिक लेकर आपने अपने इंटरनल एरिया में दांतों के दरमियान में टूथपिक को प्लेस करना है थोड़ी देर, वहाँ से आपने जब उसको वापस निकालेंगे तो उसको आप स्मेल करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मेरे दांतों के दरमियान में मसूड़े में खाना क्या फंसा हुआ था, या वहाँ पर ये कंडीशन बन चुकी है कि वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, और उसकी वजह से वहाँ पर हेलिटोसिस का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चार मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप कोई भी स्पून ले सकते हैं, मेटेलिक स्पून ले लें या नॉन मेटेलिक ले लें, प्लास्टिक का स्पून ले लें, उसको आपने अपनी टंग की जो बैक साइड है वहाँ पर उसको आप प्लेस करेंगे, वहाँ पर रब करेंगे, और फिर उसके बाद उसको स्मेल करके आप चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल जो कंडीशन है ओरल कैविटी की जिसमें हेलिटोसिस नहीं है, तो उस हालत में उसमें स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें से स्मेल आ सकती है। तो ये तो सेल्फ एग्जामिनेशन के मेथड हो गए। कुछ इसमें प्रोफेशनल मेथड भी हैं, वो आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में हम जाकर उन प्रोफेशनल मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस तरफ के क्या वजूहात होती हैं
क्या प्रॉपर रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह से इस तरह की स्मेल आती है जो कि प्रॉब्लम का बाइस बनती है, जो हमारे साथ बैठे हैं लोग उनके लिए भी और हमें खुद भी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब आपने ये समझ लिया कि वो कौन सी कंडीशन हैं जिसमें बेसिकली हेलिटोसिस नहीं है, लेकिन अगर हमने वक्ती तौर पे कोई चीज़ का इस्तेमाल किया तो उसमें कोई स्मेल आ सकती है, तो वो हम साइड पे कर रहे हैं। अब हम जेन्युइन हेलिटोसिस की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजूहत में सबसे बड़ी वजह क्या है? एक्सटेंसिव डेंटल केरीज। 90% केसेस में तीन कंडीशन ही होती हैं। एक आपकी जिंजिवाइटिस है, मतलब आपके मसूड़े सूजे हुए हैं और मसूड़ों में से खून भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो मसूड़ों में डिजीज होती है उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं और उसकी वजह से भी मुंह में हेलिटोसिस हो सकता है। सेकेंड वन क्या है? पेरिओडोंटाइटिस। यही जो जिंजिवाइटिस जो है ये जब प्रोग्रेस करती है और दांतों और मसूड़ों के दरमियान पथरी जम जाती है, मांसफोरा लग जाता है और नीचे से हड्डी भी गलना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये हेलिटोसिस परमानेंट हो जाता है और हर वक्त आपके मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ पर उस मसूड़ों और दांतों के दरमियान में बैक्टीरियल ग्रोथ भी होती है। बैक्टीरिया उस जो टार्टर फंसा हुआ है, जो कैलकुलस फंसा हुआ है, जो स्टोन फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी फिर बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहाँ भी ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं। दूसरा, फिर वहाँ पर खाना जाके जमा होता है तो उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से ऐसे कंपाउंड्स पैदा करते हैं जो स्मेल कर सकते हैं, और साथ में हड्डी गलती है तो वहाँ से भी। तो ये कंप्लीट कंडीशन जो पेरिओडोंटाइटिस वाली है ये भी हेलिटोसिस कॉज कर सकती है। और एक्सटेंसिव केरीज, बहुत सारे दांत अगर उनमें कीड़ा लग जाए, उनमें कैविटीज़ बन जाए, उन कैविटीज़ के अंदर जाहिर है कि जो दांत का स्ट्रक्चर है इनेमल डेंटिन वो गल चुका है, तो ऐसी कंडीशन बनती है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती जा रही है और वो गलने सड़ने की वजह से भी स्मेल पैदा हो रही है। साथ में किसी भी कैविटी में जाके खाना फंसता है, कोई चीज़ हम लेते हैं वो जाके फंसती है और उसके गलने सड़ने की वजह से भी बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया उसको खाते हैं, आप समझ लें उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से मजीद कंपाउंड पैदा करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से भी मुंह से स्मेल पैदा होती है। और एक बहुत बड़ी रीज़न क्या है? ज़बान का साफ़ ना करना। देखिए, दांतों को साफ़ करने के साथ साथ ज़बान को साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो जो टंग कोटिंग बन जाती है हमारी ज़बान की सतह के ऊपर, कोई भी खाने की लेयर, कोई भी ऐसे बैक्टीरियल लेयर जो सफाई नहीं हुई, तो उसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये चीज़ कहाँ पर आती है? जो हमारी ज़बान के बैक साइड है, जहाँ पर गले के साथ ओरोफेरिंग्स के साथ जो जगह है, जो गले के साथ ज़बान का हिस्सा है, वो मोस्ट कॉमन ऐसी जगह है जहाँ पर खाना जमता है जाकर, आहिस्ता आहिस्ता उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उस बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से, गलने सड़ने की वजह से वहाँ पर उसकी वजह से स्मेल पैदा होती है। तो ये तीन चार जो हैं बहुत बड़ी वजूहत हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई भी डेंचर आपने लगाया हुआ है, जैसे ओल्ड एज के अंदर मसनूई दांत बनते हैं, उनके नीचे खाना जमा हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता गलता सड़ता है, मसूड़े ख़राब करता है, तो उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल पैदा हो जाती है जो कि हेलिटोसिस का बाइस बनती है। इसके अलावा कोई भी सिस्टेमिक डिजीज़, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है शुगर के मरीज़ों में, कोई लीवर प्रॉब्लम है उसकी वजह से, स्टमक इशू है उसकी वजह से, तो सिस्टेमिक इशूज़ की वजह से भी ये हेलिटोसिस का प्रॉब्लम वो पैदा हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? कोई भी मुंह में सिस्ट या ट्यूमर अगर ग्रो करता है तो उसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो सकती है, और वो भी जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम है या लोकली कोई सिस्ट या ट्यूमर है वो भी मसूड़ों को ख़राब कर सकता है, खाना फंस सकता है वहाँ पर, और आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है जिसकी वजह से वहाँ पर हेलिटोसिस का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। अब ये सारी जो हमने वजूहत समझ ली, अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया करते क्या हैं। बैक्टीरिया बेसिकली ऐसे कंपाउंड पैदा करते हैं जिनको हम वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स कहते हैं, और अब इसको हम डिटेल में मज़ीद नहीं जा सकते। जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें अनियंस हैं, प्याज हैं, उसमें अदरक है, उसमें मीट है, उसमें और भी कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनके जब बैक्टीरिया कहीं फंस जाते हैं और बैक्टीरिया उन पर ग्रो करते हैं तो वहाँ से वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स पैदा करते हैं, जो कि बहुत बड़ी रीज़न है मुंह में स्मेल होने की। और इन कंपाउंड्स में मेजर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, या मिथाइल मरकैप्टन है, या मिथाइल सल्फाइड कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुंह में बदबू पैदा करते हैं और हेलिटोसिस का बाइस बनते हैं। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं नेट पे कि ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स पैदा करने में बैक्टीरिया की हेल्प करती हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बाद आपको ब्रश करना ज़रूरी है। कुछ तो मैंने आपको बता दी, उनके बाद आप ब्रश करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आप मतलब आपके मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ उस तरह नहीं होगी और मुंह से बदबू नहीं आएगी। और शॉर्टली हम देख लेते हैं, इस टॉपिक को दोबारा भी देखेंगे जो मैनेजमेंट इसकी है, लेकिन
लेकिन शॉर्टली हम ये देख लेते हैं किस तरीके से हम अपने मुंह में जो बदबू पैदा हो रही है उसको कम कर सकते हैं। एक तो हमने ब्रश करना है प्रॉपरली, सुबह शाम ब्रश करना है, स्पेशली रात को सोने से पहले ब्रश करने के बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सारी रात फंसी रही दांतों के दरमियान में तो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा बढ़ती है। तो ब्रश करके सोना है, उसके बाद सिर्फ पानी पीना है अपने, पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी जो कॉज है बदबू आने की वो ड्राई माउथ भी है। और ऐसे मरीज जिनके अंदर जीरो स्टोमिया हो जाता है, सिस्टेमिकली प्रॉब्लम आता है और जिसकी वजह से मुंह में थूक बहुत कम बनता है, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेलिटोसिस या मुंह से बदबू का आना। और ऐसे लोग जो कम पानी पीते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपने पानी पीना है, ठीक है, इसमें ब्रश आपने करना है, माउथ वॉश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। केमिकल जो माउथ वॉश में केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देते, जिसकी वजह से मुंह में ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे जो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स पैदा नहीं होते या ऐसी चीज़ें नहीं होती जो बदबू पैदा कर सकती हैं। तो माउथ वॉश आपने इस्तेमाल करना है, आपने ब्रश अच्छे तरीके से करना है, अगर आप कोई डेंचर यूज़र हैं, कोई रेस्टोरेशन आपकी हैं तो उनकी आपने सफाई अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा पानी आपने ज़्यादा पीना है, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको महसूस होता है तो आपने जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है उसको, क्योंकि इसमें जो सिस्टेमिक कंडीशंस हैं उनका पता चलना टाइम से ज़रूरी है। जैसे कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर का मर्ज़ आपके अंदर है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर फ्रीक्वेंट आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाएं। और इसमें यही मैं दोबारा बताने जा रहा था कि जो पेरिडोंटाइटिस की डिज़ीज़ है या मांसपोरे की जो बीमारी है, उसमें आपको 6 महीने या साल में एक दफ़ा सफाई भी ज़रूर करवानी है, और सफाई आप करवाएंगे प्रॉपर तो फिर ये बदबू आना भी मुँह में मतलब बदबू पैदा नहीं होगी और कम हो जाएगा और हेलिटोसिस का आप शिकार नहीं होंगे। इस टॉपिक को बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, मज़ीद भी हम इंशाल्लाह वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आपके जहन में कोई चीज़ आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि किस तरीके से वो इस चीज़ से बच सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ तक आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।